देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर के पर्वतारोही दंपति अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतह की। अनुराग और सोनाली ने 15 अगस्त की रात 11 बजे निकलकर 20 से 25 डिग्री तापमान में पर्वतारोहण कर 16 अगस्त की सुबह 5:30 बजे माउंट एल्ब्रुस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। माउंट एल्ब्रुस पर पहुंचकर दोनों ने राष्ट्रगान गाया और सूर्य नमस्कार किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले सोनाली और अनुराग भारत के पहले दंपति बन गए हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर भारतीय तिरंगा फहराने के बाद रतलाम के दंपति अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद दोनों दंपति रविवार को वापस अपने शहर आ गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पर्वतारोही अनुराग और सोनाली का इष्ट मित्रों सहित शहर के राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने ढोल धमाकों के साथ जोरदार स्वागत कर नगर प्रवेश करवाया और रैली के रूप में उन्हें अपने घर ले जाया गया। कुछ दिनों की राहत के बाद फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिले में 4 दिनों के ब्रेक के बाद शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया। निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों ने स्विमिंग पूल का रूप ले लिया था। शनिवार और रविवार को हुई बारिश से जिले में बारिश का आंकड़ा 27 इंच के पार पहुँच चुका है। जिले में बीते 24 घंटों में 1 इंच बारिश दर्ज की गयी है। रतलाम के जावरा में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले में बारिश का आंकड़ा गत वर्ष की तुलना में 3 इंच अधिक है। जिले के जावरा ब्लॉक में सर्वाधिक 35 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं ताल ब्लॉक में सबसे कम 20.5 इंच, पिपलोदा ब्लॉक में 21.5 इंच और राउटी में 25 इंच बारिश हुई है। रतलाम जिले में अब तक कुल 27 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून का सिस्टम सक्रिय होने से आगामी 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। शनिवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रविवार सुबह भी झमाझम बारिश हुई। निकला जाएगा।
अधिक मास के साथ शुरू हुए सावन मास भी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है। 20 अगस्त को सावन का सातवां सोमवार नाग पंचमी पर्व के साथ मनाया जाएगा। भोले बाबा की भक्ति भी चरम पर है। भोले के भक्त बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने कावड़ यात्रा लेकर महाकाल पहुंच रहे हैं। रविवार की सुबह विनोबा नगर से नवयुवक सरस्वती समिति ने कावड़ यात्रा निकाली। शिव भक्त कावड़ में जल लेकर महाकाल उज्जैन के लिए रवाना हुए हैं। सोमवार की सुबह कावड़ यात्री महाकाल बाबा का अभिषेक करेंगे। शहर में पुलिस का खौफ नहीं होने से गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। आए दिन सड़कों पर बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने गुंडागर्दी करने वालों को बेनकाब कर जुलूस भी निकाला था। हाल ही में एक वीडियो NY सिनेमा मल्टीप्लेक्स का सामने आया, जहां दो दिन पहले रात में कुछ गुंडों ने गदर 2 फिल्म को एक घंटे बाद दोबारा शुरू करवाया। दरअसल गुंडे मूवी शुरू होने के बाद सिनेमा हॉल में पहुंचे थे। पहले असामाजिक तत्वों ने सिनेमा हॉल के स्टाफ पर दबंगई कर अपने लिए मनचाही सीट मांगी। इस पर कुछ लोगों को हटाकर गुंडों को सीट दी गई, लेकिन लोगों का आक्रोश सिनेमा स्टाफ पर तब भड़का जब एक घंटे बाद गुंडों के दबंगई के चलते दोबारा फिल्म को शुरू से प्ले कर दिया। हंगामा हुआ तो पुलिस बल भी सिनेमा हॉल पहुंचा और सिनेमा स्टाफ और दर्शकों के बीच समझौता करवाया। सभी के टिकट के पैसे वापस दिए गए। पुलिस इस मामले में कुछ बोल नहीं रही। हालांकि कुछ लोगों ने इस गुंडागर्दी का आवेदन पुलिस थाने में दिया है, लेकिन सिनेमा स्टाफ की ओर से कोई आवेदन गुंडों की दबंगई के खौफ में नहीं दिया गया। इधर सिनेमा हॉल में मौजूद दर्शक ने बताया कि सिनेमा हॉल स्टाफ की बड़ी लापरवाही भी दिखी। गुंडों के डर से एक घंटा बाद फिल्म दोबारा शुरू करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे गुंडों पर कार्रवाई होना चाहिए। सिनेमा देखने गए दर्शक कार्तिक ने बताया, मूवी का आनंद यार, उससे अंदर से ज्यादा बाहर मूवी अच्छी चल रही सर। वहाँ एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग, मेरे वाइफ के साथ में मूवी देखने गया था। रात में 10 बजे का शो था NY के अंदर। मूवी एक घंटे की चल चुकी थी, बट कुछ लोग वहाँ पर आए और हमें उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो वहाँ पर आए। बट एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने उस मूवी को कुछ लोगों के चक्कर में 200 पब्लिक की जो भीड़ थी उनको परेशान करते हुए उस मूवी को वापस लगा दिया गया, जिससे पूरी पब्लिक आक्रोशित हो गई। और हमने थाने में आवेदन भी दिया है, सब कुछ करा है। वहाँ का मैनेजमेंट लेवल 0 है, सिक्योरिटी लेवल भी 0 है। उस बीच अगर किसी के साथ कुछ घटना हो जाती तो वहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर देता। बस यही घटनाक्रम तो हुआ था। फिल्म को कितनी देर बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया? कुछ भी सर, 5 घंटे के बाद वापस मूवी वापस से लगा दी गई थी। कितने लोग थे जिनके कहने पे इस तरह की? कुछ भी सर, 12-15 लोग। 12-15 लोग मानते कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हाजिर है बिल्कुल सर। और NY की बहुत बड़ी नाकामी है, जो उन्होंने इतना बड़ा थिएटर होने के बाद भी मतलब ये बीच में पिक्चर शुरू कर सकते हैं किसी भी लोगों के लिए। नाम बताओ। कार्तिक सर। किसी बात पर परिवार में एक 20 वर्षीय युवक को डांट दिया तो युवक इतना नाराज हो गया कि फांसी के फंदे पर झूल गया। परिजनों ने उसे तत्काल फंदे से उतार कर आत्महत्या करने से बचा लिया। युवक का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। खबर के मुताबिक DD नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरिया के निवासी धर्मेंद्र पिता रमेश भाबर ने शनिवार को अपने घर में फांसी लगाने का प्रयास किया था। घायल हुए धर्मेंद्र को जिला अस्पताल के ICU यूनिट में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ऑक्सीजन लगने से उपचार करवा रहा युवक मीडिया को कुछ बता नहीं सका है। इस मामले में DD नगर थाना SI शांतिलाल चौधरी ने बताया, फांसी लगी क्या है? एक धर्मेंद्र नाम का युवक था,
रामपुरिया के, अज्ञात कारणों से उसने अपने घर में फांसी लगा ली थी 18 तारीख को। तो जिस दिनांक को फांसी लगाई थी अस्पताल में भर्ती था वो आईसीयू वार्ड में, वहाँ पे हमारे जांचकर्ता अधिकारी गए थे। उस समय वो बयान देने की स्थिति में नहीं था किन कारणों से लगाई है, जांच होने पर पता चल जाएगा किस कारणों से क्या रहा था कारण फांसी लगाने का पता लगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।